हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा मेहंदी क्लास 20 है और इस क्लास में हम सीखेंगे फुल फेस ब्राइड कैसे ड्रॉ करें। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे फुल फेस मेहंदी में ड्रॉ कैसे करें। तो ब्राइड या ग्रूम, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ब्राइड या ग्रूम जो कोई भी हम ड्रॉ करें तो उसका आउटर सेम होता है और जैसे जैसे हम उसकी ज्वेलरी चेंज करें उसके हिसाब से हम उसको ग्रूम या ब्राइड ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम ये ब्राइड ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक बता दूं, जब भी हम फुल फेस ब्राइड ड्रॉ करें तो एज ए पोर्ट्रेट, अगर कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा है तो उसमें एक बेसिक होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन सेम साइज़ की, और उसके हिसाब से एक राउंड ड्रॉ किया जाता है। और इस राउंड के साथ ही ये जितनी साइज़ है उतनी साइज़ से थोड़ा कम लेके एक और लाइन बनाई जाती है और उसके साथ ये जॉइंट करके इस तरह से ये फेस बनता है इस तरह से। और ये यहाँ पर आइज़ का पोर्शन आ जाएगा इधर, और यहाँ तक नोज़ आएगी, और यहाँ से लिप्स का एरिया बनेगा। इस तरह से फेस बनता है पोर्ट्रेट में। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमको इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाननी, लेकिन एक ऐसा बेसिक हमको पता होना चाहिए फुल फेस में कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है। तो जैसे हमारे पास ये ब्राइड है, तो इसके लिए पहले हमको फेस ड्रॉ करने के लिए हमें इसका ये जो फेस है वो एनालिसिस अच्छे से करना है। जिस तरह से इसके फेस में दो ईयरिंग्स, ईयर के साथ ईयरिंग्स डिफाइन है, और ऊपर की जो माथा पट्टी है वो उसके साथ ये चुनरी भी हमको लेनी है। तो इसके लिए हमको पहले ये फेस ड्रॉ करना है, जिसके लिए हमको पहले बनाना है ये फेस का एरिया जो ओवल शेप में है, क्योंकि हमको ज़्यादातर ज्वेलरी की डिज़ाइन ड्रॉ करनी, इसलिए हम लंबा फेस ड्रॉ करेंगे। वो इससे ब्राइट ब्यूटीफुल भी लगेगी और हमारे सारे एलिमेंट्स अच्छे से उसमें फिट भी हो जाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से लेना है ये, और यहाँ से ये माथा पट्टी की डिज़ाइन, फिर अंदर फिलअप करना है और डिज़ाइन बनानी है जो इस तरह से फ्रिल्स मैंने जैसे बताई थी आपको, उस तरह से ड्रॉ करनी है। और बहुत लोग मुझे पूछते कि कौन इतना पतला किस तरह से चलता है। तो जो भी मेहंदी का डिज़ाइन है या कोई भी मेहंदी हीना है, तो जब हम घर पे हीना डिज़ाइन या हीना पेस्ट बनाएं तो उसको बहुत ज़्यादा लाइट रखनी है इस तरह की ब्राइड या कुछ ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीना पेस्ट पतली होगी उस हिसाब से आप ये बारीकाई से डिज़ाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो आगे के लिए हम उसके हेयर का जो पोर्शन है वो ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इधर आ जाएगी इसकी ईयरिंग्स, और फिर उसका ये बॉडी का सारा एरिया आएगा यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक उसकी चुनरी का एरिया इस तरह से, और यहाँ से एक चुनरी आगे की ओर है इसलिए ये पोर्शन यहाँ तक आएगा। तो ये सारा हमको एनालिसिस करके सीखना है कि ये एरिया कहाँ तक आएगा और ये एरिया कहाँ तक आएगा। और ये सारी ज्वेलरी हमको ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर इसका हाथ का एरिया भी है, तो हमको हाथ भी ड्रॉ करना है। हाथ ड्रॉ करने के लिए पहले हमको ये पूरा बाहर का जो आउटर लुक है वो दे देना है, और फिंगर की जो डिज़ाइन है वो लास्ट में ड्रॉ करनी है इस तरह से। 1, 2, 3 और 4, ये चार उंगली बन गई, और ये पोर्शन यहाँ तक, और ये हाथ का जो टैटू से इधर तक आ जाएगा इस तरह से।
अब हम इसके अंदर का फेस का जो एरिया है वो ड्रॉ करेंगे। तो हमको हमारे दिमाग में फिट कर लेना है कि यहाँ तक आईज का पोर्शन आएगा, तो हमको इस तरह से आईब्रोज बना लेने हैं। सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए। पहले ऊपर का पोर्शन, फिर इस तरह से आई ड्रॉ कर लेनी है। आई का लोकल साइड है वो बीच में रखना है इस तरह से, और फिर यहाँ से ऐसे, और ये लिप्स का एरिया ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। तो आप फुल ब्राइड इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और अंदर सारा फिलअप दे देना है। तो हम यही ब्राइड कौन से भी ड्रॉ करके सीखेंगे। तो मेरे पास अभी जो मेरे कॉन है वो मैंने घर पे बनाया है और एकदम बारीक रखा है, जिससे मुझे ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यही डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमको पहले फेस ड्रॉ करना है, ओवल शेप का फेस रखना है, जिससे हम अपनी सारी जो ज्वेलरी है वो अच्छे से ड्रॉ कर सके। शांति से और शेडिंग करके हमको सारा ये ड्रॉ करना है। तरह से ये ब्राइड को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको पर्सनली मुझसे मेहंदी क्लास सीखना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।